एवरीवन, मैं सी एस श्रीवामुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो आज अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्लास टेंथ में चैप्टर 2 दैट इज पॉलीनोमियल्स। आई होप आपको चैप्टर 1 एकदम क्लियर है। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखिए जाके, मैं सारे लिंक्स जो है चैप्टर 1 के वो एक साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चैप्टर 2। अब देखो गाइस, चैप्टर 2 में सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। 2.1 अपन सबसे लास्ट में करेंगे। तो चैप्टर का नाम है अपना पॉलीनोमियल्स। अब इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 2.2 है वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से अपन को रिलेशन निकालना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब ये कहता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है, एक अपन इक्वेशन लेते हैं, दैट इज 3x² प्लस 5x माइनस 2। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक होता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल मतलब इस पॉलीनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो अगर अपन इसको गौर से देखें, बड़े प्यारा प्यारा मुझे वेरिएबल तो इसमें दिख रहा है x। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है? नंबर 2, ठीक है। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो मतलब अपन कहेंगे भाई डिग्री जो है ना इसको, इसकी कितनी है? 2। अब डिग्री निकालने का फायदा कर, मतलब जो x की है ना वो टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती है? 2 वैल्यूज हो सकती है। जो दोनों वैल्यूज है, पहली वैल्यू को तो अपन डिनोट करते हैं अल्फा, दूसरी वैल्यू को अपन डिनोट करते हैं बीटा। भाई x के जो सॉल्यूशंस है ना वो कितने हो सकते हैं? 2। जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल जो आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल में क्या था कि भाई x की ऐसी क्या वैल्यू है जिससे पूरा आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो अपन इसको लेते हैं 3x² प्लस 5x माइनस का 2। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। सम तो होना चाहिए 5, प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन किसका? इसका और इसका। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो प्रोडक्ट होना चाहिए -6। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करने पर तो आंसर है 5 और मल्टीप्लाई करने पे -6। तो अपन ले लेते हैं नंबर, ले लेते हैं ले लो -3, प्लस करने पर तो 5 और मल्टीप्लाई करता अपन लेते हैं 6, -1। इसको प्लस करो तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 5, और इसको मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? -6। तो ये अपना हो गया 3x² प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन लिया, x प्लस 2, -1 कॉमन लिया, x प्लस 2। तो x प्लस 2 और 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो गौर से देखो, या तो x की वैल्यू क्या होगी? -2, या x की वैल्यू क्या होगी? 1/3। तो x के कितने आंसर्स है? 2 आंसर्स है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी? 2। अब अगर अपन को इसके बीच का रिलेशनशिप चेक करना हो, रिलेशनशिप कैसे चेक करते हैं? तो मैंने क्या बताया था, पहली वैल्यू को क्या बोलते हैं? अल्फा, दूसरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? बीटा। अब रिलेशनशिप ये होता है, सम ऑफ जीरोस जो होगा, दैट इज सम ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है? -b/a के। अब ए बी सी क्या होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशियंट को बोलते हैं बी, और कॉन्स्टेंट नंबर होता है अपना सी। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अपन LHS पार्ट लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -2/1/3, LCM आया 3, तो -6/1 तो कितना आया? -5/3। अब RHS पे आओ, RHS क्या है? -b/a, तो b की वैल्यू क्या है? 5, तो -5 और a कितना है? 3। तो गौर से देखो, LHS RHS सेम आ गए, मतलब रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। वैसे ही होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ना, वो बराबर होता है c/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करो तो क्या हो जाएगा? -2/1/3, मतलब -2/3, और c/a की वैल्यू निकालो, c कितना है? -2 और a कितना है? 3। तो गौर से देखो, दोनों वैल्यू सेम आ गए, मतलब ये क्या हो गया? रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपको पॉलीनोमियल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि भाई सम ऑफ जीरोज है वो होता है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना है? 2। वैसे तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन होती है। अब डायरेक्ट इक्वेशन क्या होती है? दैट x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
सिंपल, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम, सम कितना है माइनस थ्री, और एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है टू, तो ये कितना हो गया पॉलीनोमियल, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का टू। तो ये सिंपल इसकी क्या है इक्वेशन फॉर्म में होता है, लेकिन इसको करने का एक लॉन्ग तरीका भी होता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ जीरोज मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है माइनस बी अपॉन ए, इसको माइनस थ्री अपॉन वन कर देते हैं। एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो और अपने पास वैल्यू की प्रोडक्ट कितना दे रखा है टू। तो ऑन कंपेयरिंग अगर अपन ऊपर नीचे कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग अपने पास क्या आया माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो बी कितना हो गया थ्री, ए कितना हो गया वन, सी कितना हो गया टू। ए बी सी पता है, अब वैल्यूज डाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये वापस अपना वही पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये था गाइज आपके एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपन उसमें 2.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।